Subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. In the adjoining figure, DE is parallel to BC. ठीक है भाई, तो और सबकी वैल्यू हमें दी हुई है और हमें x फाइंड करना है. यहाँ पे फाइंड x भी है, क्वेश्चन का पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ तक इस लाइन तक जो है वो हम लोग क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं. ठीक है, और अब AD की वैल्यू x है तो x यहां लिख लेते हैं. DB की वैल्यू x माइनस टू है, x माइनस टू लिख लेते हैं. AE x प्लस टू है और EC x माइनस वन है ना. सिंस DE इज पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको यहां पे फिट कर लेंगे और हम लोग आगे बात करेंगे. AD की वैल्यू x है, DB की वैल्यू x माइनस टू है और AE की वैल्यू x प्लस टू है, EC की वैल्यू x माइनस वन है. ठीक है, x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर माइनस फोर. ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसल हो गए और x की वैल्यू आ गई फोर. कोई यूनिट वगैरह लिखी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग भी कुछ नहीं लिखेंगे. x इज इक्वल टू फोर ही फिर हमारा आंसर है. ना ही सेंटीमीटर लिखेंगे ना ही यूनिट्स लिखेंगे, बस यही हो गया. जो भी यूनिट होगी अपने आप समझ में आ जाएगी. अब अगला पार्ट करते हैं और इस बार सेकेंड पार्ट में देखिए कि वैल्यूज थोड़ा सा अलग तरीके से दी गई हैं. यहां पे देखिए DB आपको दिया गया है x माइनस थ्री. ठीक है, लेकिन फिर AB पूरा आपको दे दिया गया है कितना, 2x. और फिर यहां पे भी देखें तो AC हमें पूरा दिया गया है कितना, 2x प्लस थ्री. और EC हमें थोड़ा सा दिया है, मतलब छोटी सी लेंथ है EC, वो है x माइनस थ्री, x माइनस टू है ना. तो EC x माइनस टू है और AC पूरा ये जो लेंथ है वो 2x प्लस थ्री है. तो अब हमारा काम क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर निकालना है तो हमें AD और AE कैलकुलेट करना होगा. AD इज इक्वल टू AB माइनस DB. कैसे भाई, AD इज इक्वल टू बड़ा वाला माइनस छोटा वाला माइनस DB है ना. तो अब AD कैलकुलेट करना है, उसी तरह हम लोग को कैलकुलेट करना है AE. तो AE इज इक्वल टू AC माइनस EC, AC माइनस EC. तो ये AC में से ये छोटा EC चला जाएगा तो AE हमारा आ जाएगा. अब उसी तरह ये मतलब ये जो गिवन वैल्यूज है इनको यूज करके AD x के टर्म्स में आ पाएगा और AB है अपना 2x माइनस और x माइनस थ्री. ये DB हो गया. AC क्या है, 2x प्लस थ्री माइनस EC क्या है, x माइनस टू. तो ये क्या हो जाएगा, 2x में से x गया x, x प्लस थ्री बोलेंगे इसे. यहाँ पे 2x में से x गया x और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 प्लस टू फाइव. तो एक हो गया x प्लस थ्री, दूसरा हो गया x प्लस फाइव. अब लिख लेते हैं जो बाद में कैलकुलेटेड वैल्यूज है उनको मैं रेड में लिख रहा हूं, x प्लस थ्री और ये हो गया x प्लस फाइव. ठीक है, अब हम लोग आराम से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. यहीं लिख देते हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी वहां पे. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD बाई DB
इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो अब इससे ए डी क्या हो जाता है, एक्स प्लस थ्री, और डी बी क्या है, एक्स माइनस थ्री, ए ई क्या है, एक्स प्लस फाइव, और ई सी क्या है, एक्स माइनस टू। एक्स स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स और माइनस सिक्स, चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स, और ये हो गया माइनस फिफ्टीन। एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया, 3x में से 2x गया, x बचा, यहां पे 2x बचा, और यहां पर माइनस सिक्स है, यहां पे माइनस फिफ्टीन। 15 को उस साइड ले जाइए, 15 माइनस सिक्स, 2x माइनस x को इस साइड ले आइए, यानी x इज इक्वल टू हो जाता 15 माइनस सिक्स यानी 9। तो 9 हमारा x का ये दूसरा वैल्यू आया। तो दोनों अलग अलग पार्ट हैं, डायग्राम उन्होंने एक ही दिया हुआ है, अब दोनों ही पार्ट हम लोगों ने सॉल्व